Everybody, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. तो दोस्तों आपको thumbnail और title देख के तो clear हो ही गया होगा. आज मैं बात करने वाली हूँ Myntra के एक अनारकली dress का review आज इस video में मैं करने वाली हूँ, जो कि है from the brand Libas. और Libas एक कितना premium और कितना अच्छा clothing brand है ये तो आप सब जानते ही हैं. तो आज इस product का मैं review करने वाली हूँ, जो कि मुझे receive हुआ था कुछ इस तरीके की packaging में, जैसा कि आप देख सकते हैं. क्योंकि Myntra से आप कोई भी क्लोथ परचेज करते हो तो इसी तरीके की पैकेजिंग आती है. जी हाँ, मैक्सिमम इसी तरीके की पैकेजिंग आती है. तो मैंने इसको ओपन कर लिया. मैंने इसको ईद में बाई किया था. मैंने ये ड्रेस ईद में वेयर किया था, बट मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं अभी इसका रिव्यू करने वाली हूँ. तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा. बाकी इस प्रोडक्ट का और सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. गाइस, ये ड्रेस कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे मैंने फोटो अटैच कर दिया है. बाकी इसका जो प्राइस है एमआरपी, वो काफी ज्यादा हाई था, 3 से 4 हजार के आसपास था. एंड प्राइसेस ऑनलाइन ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करते रहते हैं. तो मैंने इसको बाय किया 1989 रुपीज में. 1989 का मुझे ये पड़ गया था, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप Myntra पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, तो अगर आपका वो फर्स्ट बाय होता है तो उसमें आपको 300 और समथिंग का डिस्काउंट मिलता है. तो मैंने अपनी मॉम के फोन से Myntra ऐप को डाउनलोड किया और उससे मैंने बाय किया, तो मुझे 300 का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि मैंने अपने Myntra ऐप से काफी परचेजिंग करी हुई है तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता. तो चलिए अब आगे देख लेते हैं. तो अगेन ये इस तरीके की प्लास्टिक के पैकेजिंग में आया था. एंड कुर्ता काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही सुंदर है ये अनारकली ड्रेस जो है. गाइस ये ना पूरी अनारकली ड्रेस है. इसमें आपको बॉटम मिल जाएगा, दुपट्टा मिल जाएगा और अनारकली कुर्ता मिल जाएगा. मैंने बहुत बारी कुर्ता कुर्ता बोल दिया है, तो ये सिर्फ कुर्ता नहीं है, पूरा एक सूट है दोस्तों, जिसमें आपको ये बॉटम है एंड दिस इज द दुपट्टा एंड दिस इज द अनारकली कुर्ता. ओके, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसके दुपट्टे से, क्योंकि इसका कुर्ता तो बहुत ही प्यारा है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी. लेकिन सबसे पहले दुपट्टा देख लेते हैं, जिसमें आपको ये लिबास का लेबल दिख जाएगा L. ओके, सो दुपट्टा कुछ इस तरीके का है. दुपट्टे की लेंथ बहुत अच्छी है, बट ब्रेथ अच्छी नहीं है. ब्रेथ थोड़ी छोटी है, थोड़ी अगर और बड़ी होती तो ज्यादा बेटर रहता, फिर भी ठीक है, अच्छा है. तो ब्रेथ कुछ इस तरीके का है, इतना चौड़ा है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे. एंड इसकी लेंथ बहुत ही अच्छी है. जो कलर है इस ड्रेस का ना, वो लाइट मेहंदी कलर है, मस्टर्ड येलो नहीं है, येलो भी नहीं है, लाइट मेहंदी कलर है, डल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा है. स्क्रीन पे आपको थोड़ा डल लग रहा होगा, मगर डल बिल्कुल नहीं है. ये बहुत प्यारा लगता है गाइस, पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है. दिस इज द कलर, इससे भी अच्छा रिच और वाइब्रेंट कलर है ये स्क्रीन पे, बिकॉज ऑफ द लाइटिंग के वजह से ये थोड़ा डल लग रहा है. ओके, सो ये बहुत अच्छा है. इसकी फैब्रिक भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, दुपट्टे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंथ अच्छी है, ब्रेथ थोड़ी सी कम है, मगर ओके ओके है, बहुत खराब भी नहीं है. नेक्स्ट जो इसका बॉटम है वो हम देख लेते हैं. बॉटम में आपको प्लाजो मिल जाता है. ओके, सो ये इलास्टिक वाली बॉटम है. ओके, जारबन नहीं है इसमें, और इसमें भी लिबास का लेबल दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिबास का लेबल दिया गया है. एंड दिस इज द प्लाजो. मैंने इसको पहन लिया है, आयरन किया था, बट ये जैसे तैसे मैंने रख दिया तो ये कुछ इस तरीके का हो गया है. प्लीज इग्नोर दैट. ओके, सो प्लाजो इसका कुछ इस तरीके का है, और इसके पूरे प्लाजो में फ्रॉम टॉप टू द बॉटम लाइनिंग दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छा है. तो ये ना फटेगा नहीं, पूरे टॉप टू द बॉटम में लाइनिंग दी गई है. टॉप में लाइनिंग है, बॉटम में भी आप देख लें, पूरे टॉप टू द बॉटम में अंदर तक लाइनिंग दी गई है, यहाँ तक पूरी लाइनिंग दी गई है दोस्तों. और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कभार ऐसे बॉटम वेयर होते हैं जिसमें हम उठ बैठ नहीं पाते, काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप आराम से इसको पहनकर उठ बैठ सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है. ओके, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है. एंड इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं. द फर्स्ट वन इज दिस वन, लाइट मेहंदी कलर, एंड द अदर वन इज ब्लूइश ग्रीन और बॉटल ग्रीन समथिंग, वो कलर में भी अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये कलर पसंद आया तो मैंने ये वाला लिया. अब आते हैं अनारकली कुर्ता के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा प्रिटी है इस पूरे सूट में. ओके, सो ये कुछ इस तरीके का है. पहनने पे ये बिल्कुल नीचे तक आता है. ओके,
एंड मैंने इसको बाय किया है स्मॉल साइज में. आप किसी भी साइज में इसको बाय कर सकते हैं. अगर आप मेरे हेल्थ के हैं तो आपको स्मॉल फिट आएगा. ओके सो इसकी स्लीव्स फुल है, आप यहाँ तक देख सकते हैं. स्लीव्स में भी लाइनिंग दी गई है. एज यू कैन सी स्लीव्स में भी लाइनिंग है. इसका प्रिंट आप देख सकते हैं, इसमें गोल्डन गोल्डन प्रिंट भी दिया हुआ है. देखने में ये बनारसी सूट लगता है मगर बनारसी नहीं है, ये चंदेरी सिल्क और समथिंग इसका फैब्रिक है. ओके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी गाइस. एंड ये बहुत ही प्रिटी लगता है पहनने के बाद, बहुत ही सुंदर लगता है. तो कुछ इस तरीके का है इसका फ्रंट और आपको फुल स्लीव मिल जाती है. स्लीव्स बिल्कुल यहाँ तक आती है, अभी आप ट्राई ऑन में देखोगे. एंड नेक्स्ट ये इसका बॉटम है जो कि यहाँ तक आता है. ओके सो एज यू कैन सी एंड दिस इज द फ्लेयर और पूरे बॉटम तक आपको लाइनिंग दी गई है. दिस इज द लाइनिंग, पूरे नीचे तक आपको लाइनिंग दी गई है. इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल लोकल स्टिचिंग नहीं है इसकी. एंड इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, कहीं से भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे इस ड्रेस में बिल्कुल नहीं है. लिबास एक बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अच्छा ब्रांड है. इसमें भी लेबल दिया गया है. ओके मैंने साइज स्मॉल बाय किया है, एज यू कैन सी यहाँ पर एस लिखा हुआ है. सो इसका कलर बहुत ही अच्छा है, घेर इसका बहुत ही अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हैं. और इसमें कलर थोड़ा सा डल लग रहा है मगर मैं आपको सच्ची बता दूं, कलर बिल्कुल डल नहीं है. लाइट मेहंदी कलर है, बहुत ही रिच, बहुत ही वाइब्रेंट लगता है. बिल्कुल पुराना नहीं लगता है, एक्सट्रीमली न्यू लगता है पहनने पर. और बहुत ही अच्छा लगता है ये ड्रेस पहनने पर, बहुत ही प्यारा लगता है. आप इसको गोल्डन ज्वेलरी के साथ पहन सकते हैं, अभी मैं पहन के आपको दिखाऊंगी. ओके सो ये इसका बैक का पोर्शन है. बैक के पोर्शन में भी सेम डिजाइनिंग दी गई है, गोल्डन प्रिंट दिया गया है. एंड ये जो डोरी आप देख रहे हैं ना पीछे, ये डोरी मैंने इसमें लगवाई है टेलर के पास से, क्योंकि ये जो इसका शोल्डर है ना ये नीचे आ जा रहा था मेरे. जनरली मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बिना डोरियों के सूट नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए मैंने डोरी लगवाया ताकि मुझे अनकंफर्टेबल ना हो, ये बार बार नीचे आ रहे थे तो इसलिए मैंने इसमें डोरी लगवाई. बाकी इसका गला बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मीडियम है, बहुत ही अच्छा है. आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होगा, क्लीवेज भी नज़र नहीं आएगा, तो बहुत ही अच्छा है. सूट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है. लिबास एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है और मैंने इसको 1989 में परचेज किया है. प्राइसेस तो ऑनलाइन फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आपको भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं ट्राई ऑन कि ये पहनने पर कैसा लगता है ये ड्रेस. तो गाइज ये है इस सूट का फुल लुक. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कलर इसका बिल्कुल भी डल नहीं है, तो कलर आप इसके ट्राई ऑन में बखूबी देख सकते हैं. बिल्कुल हूबहू इसी तरीके का कलर आपको भी रिसीव होगा अगर आप ये ड्रेस परचेज करते हैं तो. और इसका दुपट्टा, इसका पीछे का लुक आप सब कुछ देख सकते हैं. इसकी फ्लेयर भी बहुत अच्छी है एंड इस ड्रेस का जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छा है. जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल एंकल लेंथ सूट है. इसका बॉटम भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लाजो है दोस्तों. एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिच और बहुत ही क्लासी सूट लगता है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. इसका घेर भी बहुत अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हैं. इसकी फ्लेयर भी बहुत अच्छी है एंड सूट की फिटिंग भी बहुत अच्छी है एज यू कैन सी. तो इसका फुल लुक बिल्कुल इसी तरीके का लगता है. अगर आप अपना साइज सही परचेज करते हैं तो इसका लुक बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है आपकी बॉडी पे. तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मुझे इंस्टा ट्विटर एंड फेसबुक पेज पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.